हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक जिसका नाम है राशि। देखिए, एक राशि जो होता है वो आपका ज्योग्राफी में होता है, तो वो वाले राशि से नहीं मतलब होता। देखे ना, कई लोग कहते हैं अरे कौन सी राशि है आपकी, तो कई लोग कहते हैं कन्या राशि है, कई लोग कहते हैं वृश्चिक राशि है, कई लोग कहते हैं मकर है, तुला। तो देखिये, ये भौतिक विज्ञान की राशियां हैं, इसका ज्योग्राफी यानी कि एस्ट्रोलॉजर से कोई भी मतलब नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि राशि यानी कि राशि होता क्या है। तो राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो राशि को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। क्या कहते हैं? क्वांटिटी। अक्सर अगर कोई पूछ देता है राशि क्या होता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन जब आपको इसका इंग्लिश पता रहेगा कि राशि को इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसको बता सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्वांटिटी यानी कि राशि होता क्या है। तो देखिए, इस संसार में जिस किसी भी चीज को हम नंबर से व्यक्त कर सके, उन सबको हम लोग क्या करते हैं, राशि कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है और आपसे कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछता है कि भैया कि इस प्रश्न का उत्तर दो, और उसका जवाब आप नंबर में दो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका राशि कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कितने साल के हो, तुम कहोगे 24, तो 24 क्या है, नंबर। अगर मैं कहूँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो कहोगे 9th, 10th, 11th, 12th, जो भी हो, तो क्या है, 9th, 10th, 11th, 12th नंबर है। या हम पूछे कि अच्छा ये बताओ मार्केट जा रहा हो, सब्जी ले रहे कर, हाँ अच्छा कौन कौन सी सब्जी लोगे, तुमने कहा गाजर लेंगे, मूली लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया कितना लोगे, तो गाजर लेंगे 1 किलो लेंगे, मूली लेंगे आधा किलो लेंगे, टमाटर लेंगे, गोभी लेंगे, मटर लेंगे। तो इन सबको आप क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बता। अच्छा हम पूछे अच्छा रोज कितना लीटर दूध पीते हो, तुम कहोगे भैया 1 लीटर दूध पीते, अच्छा आधा लीटर दूध पीते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, 1 लीटर, आधा लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 24, 25, 26, ये सब क्या है, नंबर्स है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो राशियां कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि राशि के प्रकार क्या होता है। तो आई होप आपको राशि समझ में आ गया होगा, पक्का ना, कोई गड़बड़ी ना होगा राशि में। तो राशि समझ में आ गया कि जिसको हम संख्या से डिनोट करें, यानी कि कोई भी प्रश्न पूछने पे उसका उत्तर संख्या में आए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। और राशि को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है भौतिक राशि और दूसरा क्या होता है, मूल राशि। ठीक है, भौतिक राशि क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिक राशि क्या होता है। तो देखिए, भौतिक के नियम के अनुसार यानी कि फिजिक्स के नियम के अनुसार इस संसार में जो कुछ भी मापने योग्य है, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, तो उन सबको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। फिर से समझिएगा, फिजिक्स के नियम के अनुसार, भौतिक के नियम के अनुसार इस संसार में जो कुछ भी मापने योग्य है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है अदिश राशि और दूसरा क्या होता है, सदिश राशि। देखिए, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। तो देखिए, नाम में ही काम छिपा है, अगर किसी व्यक्ति का नाम आपको पता है तो उसका काम भी आपको पता होगा। इस तरह से जब आप परीक्षा दे रहे हो उसका नाम पता तो उसका काम भी आपको पता होगा। तो क्या कह रहा है बेटा, पहला क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि क्या है, और देश, और दिश का मतलब क्या बेटा, कि जिसमें दिशा ना हो। क्या ना हो बेटा, जिसमें आपका दिशा ना हो, केवल और केवल परिमाण हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अदिश राशि कहते हैं। दूसरा क्या है बेटा, सदिश यानी कि दिशा के साथ, यानी कि जिसमें क्या हो, आपका दिशा भी हो और दिशा के साथ साथ क्या हो, आपका परिमाण भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अदिश में क्या होता है, दिशा नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। जबकि सदिश में क्या होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। इसका अगले वाला वीडियो जो है, मैं आपको अदिश राशि और सदिश राशि मिला के दूंगा कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, किसको अदिश राशि कहते हैं, किसको सदिश राशि कहते हैं, और उनको याद करने का, जो भी उसके एग्जाम्पल होंगे उनको याद करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, जिससे आप एक ही वीडियो में आप कर सकते हैं कि कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा मूल राशि। मूल राशि क्या होता है, तो देखिए नाम में ही काम छिपा है, मूल का मतलब क्या है, मूल का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी चीज की उत्पत्ति का जो कोई भी मूल होगा। जैसे
मूल राशि की बात करें कि मूल राशि क्या होती है, तो मूल राशि क्या होगी, वे राशियां जो किसी अन्य राशि की सहायता से नहीं की जाती है, नहीं बोली जाती है, नहीं गणना की जाती है, नहीं लिखी जाती है, ऐसी राशि को क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और मूल राशि की सहायता से जो राशियां बोली जाती हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो आप कहेंगे मीटर, तो मीटर क्या हो गया, मूल राशि हो गई। क्या हो गया, मूल राशि हो गई। अगर आप कहे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो आप किलोग्राम कहोगे, तो किलोग्राम क्या हो गया, मूल राशि हो गई। तो इस तरह से क्या है बेटा कि ये सब क्या है बेटा, मूल राशियां। लेकिन अगर यही कोई कहे कि क्षेत्रफल, अगर कोई कहे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, चौड़ाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, और मीटर और मीटर में गुणा हो गया तो क्या हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या है बेटा, व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि यह मूल राशि की सहायता से क्या हुआ है, बना है। ठीक है, तो मूल राशि समझ में आ गया, वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन सभी राशियों को क्या कहते हैं बेटा, मूल राशि, मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, सात। सात मूल राशियां होती हैं, और सात मूल राशियां होती हैं, इसके साथ साथ दो पूरक राशियां भी होती हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग को केवल इतना ही देखना था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा, उसमें मैं बताऊंगा अदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि का कौन कौन सा उदाहरण है, सदिश राशि का कौन कौन सा उदाहरण है, और उसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। फिर उसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो आपकी मूल राशियों पर आएगा कि मूल राशि क्या होती है, सात मूल राशियां कौन कौन सी है, दो पूरक राशियां कौन कौन सी है, और उनको याद करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।